डियर स्टूडेंट, मैं रमेश मिश्रा। आज हम आप लोगों को सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस बनाना सिखा रहे हैं, नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन का प्रयोग करके। सुरेश इज ए टीचर, सुरेश एक अध्यापक है। ही इज वेरी जेंटल और बहुत सज्जन है। सुरेश जो कि एक अध्यापक है, सुरेश ए टीचर, सुरेश एक अध्यापक, इज वेरी जेंटल, बहुत सज्जन है। सुरेश ए टीचर इज वेरी जेंटल। रवि वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, रवि कक्षा में सबसे अच्छा लड़का था। ही वाज द मॉनिटर, रवि कामा द बेस्ट बॉय इन द क्लास, जो कक्षा का सबसे अच्छा लड़का है। रवि द बेस्ट बॉय इन द क्लास, रवि जो कक्षा का सबसे अच्छा लड़का है। वाज द मॉनिटर, रवि जो कक्षा का सबसे अच्छा लड़का था वह मॉनिटर था। माई भाभी वेंट टू दिल्ली, मेरी भाभी दिल्ली गई। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। माई भाभी वेंट टू दिल्ली, मेरी भाभी दिल्ली गई। अब दिल्ली की विशेषता है वो कैपिटल ऑफ इंडिया है, तो दिल्ली की विशेषता है इसलिए दिल्ली के बगल में लिख दो। माई भाभी वेंट टू दिल्ली, द कैपिटल ऑफ इंडिया। मेरी भाभी दिल्ली गई, और दिल्ली क्या है, जो भारत की राजधानी है। हियर इज माई सिस्टर इन लॉ, ये आपके एक्सरसाइज का पहला है और बहुत इम्पोर्टेंट है। हियर इज माई सिस्टर इन लॉ, ये मेरी साली है। हर नेम इज सन्नो, उसका नाम सन्नो है। तो हियर इज सन्नो, हियर इज सन्नो या सन्नो है, और सन्नो कौन है, माई सिस्टर इन लॉ। हियर इज सन्नो माई सिस्टर इन लॉ। मिल्टन वाज ए ग्रेट पोएट, ही वाज ब्लाइंड। मिल्टन की विशेषता है एक ग्रेट पोएट। मिल्टन एक महान कवि थे। कामा वाज ब्लाइंड, अंधे थे। मिल्टन ए ग्रेट पोएट, मिल्टन जो कि एक महान कवि थे, अंधे थे। बाबर डिफीटेड लोदी, बाबर ने लोदी को हराया। दोनों शासक थे, बाबर ने लोदी को हराया, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। बाबर एक दुर्ग था और लोदी जो है एम्परर ऑफ इंडिया, भारत के सम्राट थे। तो बाबर की विशेषता है कि बाबर तुर्क था। बाबर एक तुर्क, डिफीटेड माने हरा दिया लोदी को, और लोदी की विशेषता है द एम्परर ऑफ इंडिया। बाबर ये तुर्क, बाबर जो कि तुर्क था, डिफीटेड लोदी, लोदी को हराया। लोदी कौन था, द एम्परर ऑफ इंडिया। बाबर की विशेषता है कि बाबर तुर्क था, तो तुर्क बाबर के बगल में लिख दिए। लोदी की विशेषता था एम्परर ऑफ इंडिया, था लोदी के बगल में लिख दिए। बाकी है सेंटेंस वही, बाबर डिफीटेड लोदी, बाबर ये तुर्क डिफीटेड लोदी, द एम्परर ऑफ इंडिया। दिस प्लेस वाज वंस ए प्रॉस्परस कॉलोनी, यह स्थान एक समृद्ध कॉलोनी थी। इट वाज नाउ ए हीप ऑफ रुइन, जो अब खड़ाहर का ढेर है। दिस प्लेस, यह स्थान, कामा वंस ए प्रॉस्परस कॉलोनी, जो कि एक प्रॉस्परस कॉलोनी थी। यह स्थान जो कभी एक समृद्ध कॉलोनी थी, इज नाउ ए हीप ऑफ रुइन, अब खड़हर का ढेर है। राणा प्रताप वाज ए ब्रेव वॉरियर, राणा प्रताप एक महान योद्धा थे। ही वाज द किंग ऑफ मेवाड़, वह मेवाड़ के राजा थे। राणा प्रताप कामा ए ब्रेव वॉरियर, एक महान योद्धा थे। राणा प्रताप ए ब्रेव वॉरियर, वाज द किंग ऑफ मेवाड़,
मेवाड़ के राजा थे। अब ये चीज ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरफ वाज है तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। राणा प्रताप ए द किंग ऑफ मेवाड़, जो कि मेवाड़ के राजा थे। कामा वाज ए ब्रेव वॉरियर, वाज ए ब्रेव वॉरियर, एक महान योद्धा थे। जब दोनों तरफ वाज रहेगा दोनों तरफ लिख सकते हो। राणा प्रताप जो एक महान योद्धा थे, मेवाड़ के राजा थे। राणा प्रताप जो मेवाड़ के राजा थे, एक महान योद्धा थे। थैंक यू डियर स्टूडेंट।